गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है संडे, तो हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू एंड होप यू आर ऑल वेल एंड सेफ। को खाना है बॉयल मैगी और एक को अंडे के साथ। सोनू खाएगा बॉयल मैगी और छोटू को खाना है अंडे के साथ। अच्छा, तो तू मैगी खाओगी? मैं बोलता हूँ विषय है मेरा क्या है, मैं तो कुछ भी खाऊंगी। अच्छा बॉयल खाओ, ठीक है ठीक है, दोनों मिलाकर खाऊंगी। अच्छा ये देखो, इनको कोई इनको भी बॉयल पसंद नहीं, लेकिन हम दोनों जो खा रहे अलग अलग उसका नाम देना है, खुद का नाम देना है सोनू के लिए। सोनू ये है अंडे के साथ, इसमें कोई मेहनत नहीं, कुछ नहीं, बॉयल ही है, बस अलग से अंडा ऐड किया गया है। तो इसको आप लोग अंडा भी बनाया हुआ था? नहीं, अंडा बनाया गया है अलग से। नीचे उठाओ, तू ही खावे नीती। और ये है मेरे लिए। तो आज का संडे जो है वो मैं अपने लिए मनाने वाली हूँ, मतलब कि संडे में जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, आज मैं टोटली फ्री। तो लंच भी बहुत शॉर्टकट कर रही हूँ आज, लंच में आज सिर्फ आलू फ्राई और दाल, तो कुछ काम नहीं कर रही हूँ, आज का संडे है मेरे नाम। कभी कभी रेस्ट भी करना चाहिए, क्यों है ना, हमेशा सिर्फ काम काम काम, तो आज मैंने सोचा कि चलो आज का दिन मैं रेस्ट कर लेती हूँ। और इवनिंग स्नैक्स में आज संडे स्पेशल है ये चिकन फिंगर्स और साथ में सॉस, लेकिन ये मैंने घर पे नहीं बनाई है, ये जस्ट फ्राई किया है मैंने, जिसका पैकेट है ये चिकन फिंगर स्नैक्स, तो जस्ट मैंने फ्राई ही किया है। और अब देखती हूँ सोनू छोटू को कैसा लगता है ये। सोनू अच्छा छोटू आशो आशो सोनो की हल आशो ना ठोक भी किंतु बस गरम किया है, अच्छा हुआ है। सोनू को लगता है खाने का मन नहीं है, बुला रही हूँ फिर भी नहीं आ रहा है। चलो, तो जब से मैंने YouTube चैनल खोला है, हर रोज़ सुबह उठने से पहले बेड पे ही एक बार मैं अपना मेल चेक करती हूँ, और हर महीने एक मेल आता है YouTube से कि मेरा इस महीने का जर्नी कैसा रहा, और आज भी एक मेल आया है, और वो मेल देख के मुझे इतना खुशी हुई, मैं उसका एक स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अभी।
तो बस ये सब आप लोगों के सपोर्ट का ही नतीजा है। इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए आप लोग ताकि मैं और आगे बढ़ सकूं। आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। बस सपोर्ट करते रहिए इसी तरह से। ये अन्नपूर्णा घी के बॉटल्स, और तो ये ग्लास का है इसीलिए मैंने लिया है, ऐसे ही रख दिया था, मैंने डीआईवाई करने के लिए ही रख दिया था। तो किचन में खड़ा मसाला रखने के लिए बहुत सारे कंटेनर की ज़रूरत होती है जो कि हम बाहर से खरीद कर लाते हैं। तो मेरे पास कुछ अन्नपूर्णा घी के बॉटल्स थे जो कि ग्लास के हैं, और फिर इसका साइज़ भी मुझे परफेक्ट लगा खड़ा मसाला रखने के लिए। बस इसका कैप ही मुझे पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि कैप के ऊपर में अन्नपूर्णा घी लिखा होता है, और फिर मेरे पास डेकोपज पेपर भी था, मोटपज भी था, तो मैंने सोचा कि इसका कैप को ही थोड़ा सा मैं डीआईवाई कर लूँ। सबसे पहले तो मैंने व्हाइट एक्रेलिक कलर से कैप को कलर किया, और कलर सूखने के बाद मैंने इसमें व्हाइट ग्लू यूज़ किया, और फिर इसके ऊपर से मैंने डेकोपच पेपर लगा दिया। और क्योंकि मैं ये किचन स्टोरेज के लिए यूज़ करने वाली हूँ, तो कभी भी हम गीले हाथ से बॉटल्स को पकड़ सकते हैं, तो पेपर का है ये, गीले हाथ से पकड़ेंगे तो ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए मैंने डेकोपच पेपर के ऊपर मोटपच से एक लेयर मतलब कि एक कोट लगा दिया। और मोटपच लगाने से क्या होता है कि पेपर जो है वो फिक्स हो जाता है और पानी का भी कोई असर नहीं होता है। तो अब मैं ये बॉटल्स जो है इसे पानी से वॉश कर सकती हूँ। बहुत ही इजी था ये डीआईवाई, और देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो किचन स्टोरेज के लिए, और अगर आपके पास ये पेपर नहीं है तो आप सिंपल सा पेंट कर सकते हो कैप के ऊपर कोई भी फ्लावर या कोई भी डिज़ाइन देके, और कोई भी आप ग्लास के कोई भी कंटेनर यूज़ कर सकते हो। तो चलिए गाइज, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीचे जो बेल बटन है उसको भी दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की न्यू अपडेट सबको मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।